फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू मरियम एंड अलीजा शो। हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप रेनबो के कलर्स कैसे याद कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को रेनबो के कलर नहीं याद हो पाते, तो मैं आपके लिए इजी करवा दूंगी याद करने में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगी, जैसे कि आपके पास रेड कलर है, फर्स्ट रेड स्टार्ट होता है, ये रेड है, तो फिर आपको रेड से है राइट ऑन, ऑन का मतलब ऑरेंज, राइट ऑन योर, योर का मतलब येलो, योर ग्रीन का तो ग्रीनी, और राइट ऑन योर ग्रीन, ग्रीन तक हो गया। फिर उसके बाद बस है ब्लू, राइट ऑन योर ग्रीन बस। फिर उसके बाद राइट ऑन योर ग्रीन बस इन से इंडिगो, और राइट ऑन योर ग्रीन बस इन वेनिस, वेनिस का है पैलेट। हाँ गाइस, इसको आपको याद करना है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में भी रेनबो बनाना हो तो फिर आप ये वाला जरूर वीडियो देखिए, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको आप ड्रॉ करके बताऊंगी कैसे करते हैं करके। आइए, सो गाइस, ये है रेड कलर, और आपको रेड कलर से इसको ऐसे करना है। इसको पहले लाइट लाइट करिए, लाइट लाइट लाइट, यहाँ तक हो गया, बहुत बड़े से करना है। उसके बाद इसे हल्का से शेड कर दीजिए, शेड 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 शेड। आप ऐसे वो कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको मेरा वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा या फिर और बाकी सारे, आपको मेरा वो अच्छा लगा, या फिर आप अपने फेवरेट कलर बताइए कमेंट्स में। ये रेड कलर इसे अच्छे से शेड करना है, ये रेड कलर अच्छे से शेड करके इसे मोटा थोड़ा करना है, मोटा मोटा मोटा, ऊपर से इसे और लाइट करना है, लाइट। रेड हो गया, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ना राइट, फिर उसके बाद क्या आता है बताइए, बिल्कुल सही, ऑरेंज आता है, राइट ऑन योर ग्रीन बस इन वेनिस, मतलब रेड के बाद फिर आएगा ऑरेंज, फिर उसके बाद आपको वैसे ही करना जैसे मैंने पहले आपको बताया था, उसे शेड करना है। ऑन ऑन है ऑरेंज, ये देखिए मेरा हो गया है शेड, आपको भी शेड करके करना है, शेड हो गया, ऑन हो गया, ऑन का ऑरेंज, राइट ऑन योर ग्रीन बस इन वेनिस, और उसके बाद क्या है राइट ऑन, फिर उसके बाद क्या है, हाँ येलो, राइट ऑन योर है, फिर योर है येलो, तो उसके बाद आपको भी इसे कलर करना है। हाँ, मैंने आपको पहले बताया है ऐसे पहले शेड करना है, ऐसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है पीछे से, बाद येलो के बाद है ग्रीन, राइट ऑन योर ग्रीन, फिर उसके बाद ग्रीन आना, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीनी 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 ग्रीन। कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसका फेवरेट है कलर ग्रीन, मतलब जिसका फेवरेट कलर है वो कमेंट्स में जरूर बताएं। शेड करना है अच्छे से, और इसको थोड़ा तिरछा कर लेना, तिरछा करके फिर करना है, तभी तो अच्छा बनेगा कलर, और इसे थोड़ा मोटा मोटा करके शेड करना है ऐसे मेरी तरह, तो उसके लास्ट में आपको क्लाउड बना लेना है, जैसे कि आप प्रोजेक्ट में होता है वैसे ही, ऐसे 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 ऐस
हो गया। अब फिर उसके बाद राइड ऑन योर ग्रीन के उसके बाद क्या है? राइड ऑन योर ग्रीन, फिर उसके बाद क्या है? ब्लू। मुझे पता था देखो सही जवाब है। अब मैं ब्लू को शेड करूंगी और हाँ लाइट ब्लू लेना है, ये ब्लू वाला। सो गाइस ये ब्लू हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? पर्पल कलर। ठीक है, राइड ऑन योर ग्रीन बस इन वेनिस, तो फिर आपको इसके बाद ब्लू के बाद करना है पर्पल। अब पर्पल हो गया, फिर उसके सबसे लास्ट में मेरा फेवरेट कलर है पिंक, मतलब आपको डार्क पिंक लेना है। डार्क पिंक वही सबसे अच्छा है लास्ट में कलर, सबसे लास्ट में कलर अच्छा है पिंक। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अच्छा कलर आपको कौन सा है। मेरा तो पिंक है, आपको कमेंट्स में बताना पड़ेगा कौन सा अच्छा है। चलिए करते हैं, करते 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 हाँ आपको कमेंट्स में ये भी बताना है कि मेरा अच्छा बना या नहीं। ठीक है, सो ये वाला कलर हो गया। अब मैं इसे आपको एक क्लाउड बनाना होगा यहाँ पे साइड में, तो मैं अभी बना रही हूँ। सो गाइस आपको पहले डार्क ब्लू क्लाउड पे करने हैं, उसे बहुत हल्के से करना है, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ हल्का 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 हल्का। आपको शुरू में थोड़ा सा हल्का करना है, हल्का हल्का करके आना है आपको, वरना वो हो जाएगा ना बाहर निकल जाएगा सब। धीरे धीरे करते हुए आना है, धीरे धीरे करके उसे डार्क करते जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ अभी। धीरे धीरे करके डार्क होता चला जा रहा है, फिर लास्ट में सबसे डार्क, उसके तिरछे तिरछे पे भी ऐसे कैसे हो गया। फर्स्ट वाला हो गया, अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला भी अभी वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे हल्का 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 करते आना है, धीरे 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 नीचे से धीरे होता आ रहा है। उसके बाद ऐसे 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 हो गया डार्क। इसको राउंड 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 राउंड, उसके बाद पीछे वाले हिस्से को थोड़ा सा डार्क कर देना है और आगे वाले को थोड़ा सा ऐसे करना है। ये डार्क ब्लू वाला हो गया, फिर उसके बाद आपको लाइट ब्लू लेना है ऐसे, और इसे हल्का सा ऊपर फेर देना है क्योंकि अच्छा है ना डार्क ब्लू, थोड़ा सा अच्छा है और उसमें लग जाएगा ऐसे। पूरा अच्छे से कलर मिल गया है और ऊपर आपको लिख देना है रेनबो की। चलिए सो गाइस मैंने ऊपर लिख लिया है रेनबो, और फिर उसके बाद मैं आपको वापस से बता दूँ राइड ऑन योर ग्रीन बस इन वेनिस, मैं आपको लिख के भी बताऊंगी। राइड का मतलब है रेड, RED रेड, राइड का मतलब है रेड। सो राइड का है रेड, राइड ऑन, उसके बाद क्या है ऑन, ON 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 का मतलब क्या है ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, ऑन का है ऑरेंज। ये रहा ऊपर राइड ऑन, तो उसके बाद क्या है योर। सो है येलो का है योर, राइड ऑन योर, योर है और योर का मतलब क्या है येलो, YELLOW येलो, राइड ऑन योर योर। फिर उसके बाद क्या है ग्रीन का, तो आपको पता ही है ग्रीन है ये, तो फिर इसका ग्रीन का कुछ नहीं है, ओनली ग्रीन है उसका ग्रीन। बस क्या है, बस का आपको पता होगा ब्लू, BUS बस का है ब्लू,
BLUE ब्लू, बस का है ब्लू। ओके, जैसे कि है राइड का है रेड, ऑन का है ऑरेंज, योर का है येलो, ग्रीन का तो ग्रीन ही है, अब बस, बस है ब्लू। राइड ऑन योर ग्रीन बस इन, इन क्या है इंडिगो, सो इन आई एन, इन आई मतलब इन है। फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ राइड का है रेड, ऑन का है ऑरेंज, योर का है येलो, ग्रीन का ग्रीन है, बस बस है ब्लू, आई इन से इन है इंडिगो, इंडिगो फिर उसके बाद है वायलेट, फिर सबसे पहले है राइड का है रेड, ऑन का है ऑरेंज, योर का है येलो, ग्रीन का है ग्रीन, बस का है ब्लू, आई का इन का है मतलब इंडिगो, और वायलेट का आपको तो पता ही होगा वायलेट। ओके गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है और आपको रेनबो कलर कैसे याद कर सकते हैं। और हाँ, आपको ये लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, बाय बाय।